चलिए देखिए, एक क्लास 12th का केमिस्ट्री का सेकंड बुक, और इस सेकंड बुक में हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, और वो सेकंड चैप्टर है आपका अल्कोहल, फिनॉल तथा इथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड इथर, इस तीनों चीज के बारे में हम लोग को अच्छी तरह से पढ़ना है। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले जानेंगे कि अल्कोहल क्या होता है और फिनॉल क्या होता है। उसके बाद हम लोग अल्कोहल के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद जब अल्कोहल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तब फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे। फिनॉल और अल्कोहल दोनों चीज के आज हम सिर्फ इसका पहचान जानते हैं कि अल्कोहल या फिनॉल हम देख करके कैसे पहचानेंगे अगर समीकरण में दिया हुआ है तब। और फिनॉल को आपको स्टॉप करके फिर हम पढ़ेंगे आपको पहले अल्कोहल, उसके बाद फिनॉल, और सबसे लास्ट में पढ़ना है इथर। तो याद रखिएगा कि अल्कोहल को हम लोग एकदम बेसिक कंसेप्ट से लेकर के एकदम हाई लेवल तक के पढ़ना है, और अल्कोहल में भी दो को हम लोग को ज्यादा पढ़ना है, एक इथेनॉल पढ़ना है, एक मेथनॉल पढ़ना है जो कि सबसे लास्ट में पढ़ना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अल्कोहल को। अल्कोहल जनरली आप देखिएगा डेली लाइफ में, तो अल्कोहल का मतलब आप समझिए जिससे आपको नशा आ जाए। भौतिक रूप में आप देख सकते हैं अल्कोहल को, जैसे नशा आ जाए। जैसे भोजन आप खाना खाते हो, भोजन जो करते हो, तो भोजन करने के बाद यदि जब आप भर पेट भोजन कर लोगे ना, तो आपको हल्का नींद आने लगेगा, और आप बेड पर जाएंगे तो सो जाएंगे। लेकिन किसी के पेट में चूहा कूद रहा है तो नहीं सोतेगा, तो बताइए। तो कहीं ना कहीं भोजन से रिलेशन तो है सुतने का। तो वो नींद इसलिए आता है ना कि भोजन में भी आपको अल्कोहल की मात्रा होती है। उसी अल्कोहल की मात्रा यदि ज्यादा कर दिया जाए तो वो दारू बन जाता है, जो हम आगे पढ़ाएंगे। तो आप नॉर्मली समझिए, जिससे नशा आने लगे, जिससे झुकनी उकनी आने लगे, तो वो आपका क्या होता है, अल्कोहल। वही अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। तो हम लोग जो भोजन में नॉर्मल लेते हैं उसमें भी अल्कोहल होता है, और उस अल्कोहल को हम लोग ग्रहण करते हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन जो शराब पीता है व्यक्ति, उसमें 40-42% अल्कोहल होता है। जो गांव में शराब महुआ वाला बनता है उसमें 40-45-46% तक के अल्कोहल होता है। तो उसमें फिर ज्यादा हो जाएगा तो मर जाएगा। तो उसमें होता क्या है ना कि आदमी का मृत्यु तक हो जाता है जब अल्कोहल ज्यादा सेवन कर लेगा। था अल्कोहल सेवन करने से होता क्या है कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है ना, थोड़ा सा बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है, और ज्यादा बिजी होने के कारण जो पर्यावरण में घटनाएं घटती है उस पे ज्यादा उसका नियंत्रण नहीं हो पाता है। वो बिजी रहता है आंद्रे ओकरा निपटाने में। तो इसीलिए देखिए कि शराबी व्यक्ति डोली तोली चलेगा, ओकरा अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता है। तो नहीं कंट्रोल होने का मतलब नर्वस सिस्टम उसका काम नहीं करता है। तो अल्कोहल होता क्या है, उसका रासायनिक विधि क्या है, या रसायन में हम उसको कैसे जानेंगे, तो उस अल्कोहल के बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो देखिए अल्कोहल की आप बात कीजिए तो अल्कोहल तथा फिनॉल हम हेडिंग इसलिए बनाए हैं कि इस दोनों को हम एक ही चैप्टर में निपटा दें, मतलब एक ही बार में निपटा देंगे। हम निपटाने का मतलब है कि फिनॉल का जब हम विरेचन करेंगे यानी कि निर्माण करेंगे तो बिल्कुल अलग होगा, फिर अल्कोहल का करेंगे तो अलग होगा। लेकिन जब पहचान पढ़ा रहे हैं तो पहचान दोनों का सेम होगा, थोड़ा सा अंतर है, और इसका वर्गीकरण भी करेंगे तो सेम ही होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्कोहल को। देखिए अल्कोहल जनरली आप देखिएगा तो अल्कोहल को दो तरह से हम लोग बना सकते हैं। एल्केन, एल्किन, एल्काइन होता है ना, तो एल्केन से। अब जो अल्कोहल एल्केन से बनेगा उसे क्या बोल देंगे, हाइड्रोऑक्सी अल्कोहल या व्युत्पन्न। अब उसको समझिए, देखिए होता कैसे है कि यहां पर देखिएगा तो R है तो एल्केन समूह का, क्योंकि R के साथ क्या जुड़ा हुआ है, H, और ये आपका है कुछ डाई हाइड्रोक्सी है, ये क्या है, हाइड्रोक्सी। तो अगर यहां पास देखिए तो ये वाला जो आपको दिख रहा है ये आपका है एल्केन, एल्केन, और एल्केन में हमने क्या मिला दिया है, हाइड्रोक्सी। याद रखिएगा हाइड्रोक्सी, 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 हाइड्रोक्सी। ये एल्केन को बना रहे हैं किसको सहायता से, हाइड्रोक्सी से। जब हाइड्रोक्सी और एल्केन मिलकर के एल्कोहल बनाएगा
तो इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल। इसे क्या बोल देंगे? हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल। लेकिन हाइड्रोक्सी में ये वाला जो है वो किसका है? एल्किन का। ये किसका है? एल्किन का। तो इस पूरे का नाम हो जाएगा एल्किन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल। याद रखिएगा पूरा का नाम क्या हो जाएगा? एल्किन, एल्किन का हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, 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 हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न। समझ मारी बात? और यही चीज एक दिन हम एल्केन के जगह पर एरिल कर दे, एरिल, तो उसको बोलेंगे एरिल का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न। जैसे जल में देखिए, जल ये क्या है? आपका जल है। इसको हम लोग जल बोलते हैं, जल यानी कि पानी है। तो इस पानी से कीजिएगा तो क्या है? एरिल है। अब पानी को चाहो तो ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं कि एच ओ एच ना लिख करके इसको एच टू ओ लिख देंगे तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पास ए वाला आर जो दिख रहा है ना, ये एरिल है, एरिल। एल्केन, एल्किन, एल्काइन होता है ना, तो एरिल होता है, एक एल्किल होता है, एरिल और एक एल्किल। तो ये एरिल होता है। क्या है? एरिल। और एरिल के अनुसार देखिएगा तो इसको हम चाहे तो बोल सकते हैं कोची हाइड्रोक्सी। देखिए ये आपका क्या है? एरिल। और ये जल है, तो जल में ओएच हमको दिख रहा है कि नहीं? ओएच दिख रहा है। तो ओएच दिख रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? हाइड्रोक्सी। तो अगर कोई एल्कोहल जल से बनता है और उसमें एरिल रहता है, देखिए यहां पास हाइड्रोक्सी है जबकि यहां पास क्या है? एरिल है। तो जब जल से बनता है, एरिल रहता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एरिल डाई, एरिल हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, जबकि इसका नाम क्या है? एल्केन। अब इसमें क्या आ गया? एरिल। इसमें एल्केन आ रहा था तो एल्केन, इसमें एरिल आ रहा है तो एरिल। तो इससे जो एल्कोहल बनेगा इसे क्या बोलेंगे? इससे बोलेंगे एरिल, एरिल का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, एरिल का हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, व्युत्पन्न, हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न। ठीक है, अब यहां समझिए कि एल्कोहल की पहचान क्या है। तो देखिए इसमें आप देखिएगा तो यहां भी ओएच लगा हुआ है, यहां भी ओएच लगा हुआ है। तो जब R के साथ OH लग जाए तो इसे हम लोग बोलेंगे एल्कोहल। यहां पास R देखिएगा तो आपको एलिफैटिक है। R क्या है? एलोफैटिक। और इसे पहले वाला चैप्टर में एलोफैटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, अच्छी तरह से हम आपको पढ़ा दिए हैं। अब समझते हैं हम लोग फिनॉल, फिनॉल क्या होता है। समझिए कि फिनॉल और एल्कोहल, तो इसका भी लास्ट में देखिएगा तो ऑल आ रहा है, ऑल नहीं। हम क्लास 10 में आपको पढ़ाए थे एल्कोहल में कि उसका जो क्रियात्मक समूह होता है उसके लास्ट में अनुलग्न होता है ऑल। और इसमें भी देखिएगा तो फिनॉल है, तो इसको भी क्या लग रहा है? ऑल लग रहा है ना, ऑल। तो ये भी एक तरह का क्या है? एल्कोहल है। ये भी फिनॉल क्या है? एक तरह का एल्कोहल है। लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है कि ए आपका एरोल, सॉरी, एलिफैटिक, और जबकि ए क्या है? एरोमेटिक। इसमें भी थोड़ा सा अंतर होगा। देखिएगा कि जब बेंजीन के साथ डायरेक्ट ओएच लगेगा, बेंजीन के साथ डायरेक्ट ओएच लगेगा तो उसे फिनॉल बोल देंगे। बेंजीन के साथ डायरेक्ट लगेगा तो उसे फिनॉल। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आपको मिलेगा कि यहां बेंजीन है, ये आपका बेंजीन है, लेकिन ओएच लगा हुआ है और डायरेक्ट नहीं लगा है। जैसे यहां मान के चलिए सीएच टू है और एकरा साथ ओएच जुड़ल है, तो इसे हम लोग फिनॉल नहीं बोलेंगे, इसे फिनॉल नहीं बोलेंगे, बल्कि ये क्या है? आपका एल्कोहल है, ये आपका एल्कोहल है। इसमें और इसमें अंतर आपको समझ में आ रहा है? इसमें और इसमें अंतर समझ में आ रहा है, क्योंकि ये ओएच क्या है? आपको डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ गया, और यहां देखिएगा तो ओएच डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो अगर डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे? एल्कोहल। जबकि इसको क्या बोल देंगे? फिनॉल। अब समझ में आ रहा है एल्कोहल और फिनॉल क्या है?
एल्कोहल की पहचान क्या है कि एरोमेटिक के साथ आना चाहिए OH, और जबकि फिनॉल की पहचान क्या है कि बेंजीन के साथ आना चाहिए OH। अब इसका वर्गीकरण हम लोग सीखते हैं, एल्कोहल का वर्गीकरण। तो एल्कोहल का वर्गीकरण हम लोग दो तीन विधि से करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहला वर्गीकरण जो करना है वो है OH की संख्या पर, OH की संख्या पर। मतलब OH की संख्या कहने का मतलब कि OH जो है ना कार्बन से कै को जुड़ल है, कार्बन से कै को जुड़ा है। देखिए अब यहां समझिए कि इसका नाम याद रखिएगा, फेनिल मेथॉल मेथनॉल या एरोमेटिक एल्कोहल। जबकि यहां पास OH नहीं जुड़ा हुआ है तो एक नाम क्या है, ओनली फिनॉल। ठीक है, इसको फेनिल मेथनॉल इसका, या तो फिर एरोमेटिक एल्कोहल। और यही चीज यदि दो को जुड़ जाए, जैसे यहां CH3 है और यहां C है, और एक कार्बन के साथ एक यहां जुड़ा हुआ है, और आगे चल के एक और मान के चलिए जुड़ गया, इसको हम इधर ही जोड़ देते हैं OH, और यहां से जुड़ा हुआ CH2 कर देते हैं। तो देखिए ये वाला कार्बन जो है इस कार्बन से आगे कै को जुड़ा है, OH से दो को जुड़ा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं अस्थाई 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 एल्कोहल एल्कोहल। अच्छा कि एक को जुड़ेगा तो इसको क्या बोल देंगे, अस्थाई। तो हम लोग को पहला वर्गीकरण पढ़ना है इसी संख्या के आधार पर कि वो जो एरोमेटिक या एलिफैटिक कार्बन है उसमें कै गो आया है OH। तो यदि ऐसी संख्या मतलब इस OH की संख्या पर देखिएगा, तो यदि एक गो आएगा तो उसको मोनो, दो गो आएगा तो डाई, और तीन गो आएगा तो ट्राई। इसी तरह से अगर तीन से अधिक हो जाता है तो उसे पॉली बोला जाता है। ठीक है, तो एक गो आएगा तो मोनो, तो अगर एक OH जुड़ेगा तो उसे मोनोहाइड्रिक बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक। IUPAC नाम इसको छोड़ देते हैं और जनरल पढ़ते हैं। IUPAC नाम हम आगे आपको बता देंगे कि मेथनॉल का सूत्र क्या होगा, इथेनॉल का क्या होगा, इस तरह से हम आपको, या प्रोपेनॉल का क्या होगा, इस तरह से हम आगे आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अभी हम आपको समझाते हैं कि इसका मोनोहाइड्रिक क्या है। तो देखिए मोनो का मतलब क्या है, OH, और हाइड्रिक आपको सब में लग रहेगा, हाइड्रिक सब में, चाहे तो आप आइए इसमें या इसमें या इसमें, सब में आपको क्या मिलेगा, मोनो। तो यदि कोई CH समूह है यानी R समूह है, उस R के साथ एक गो OH रहेगा, एक गो रहेगा तो उसे मोनोहाइड्रिक बोलेंगे। यहां भी देखिए एक गो है तो इसे मोनोहाइड्रिक बोलेंगे। इसका IUPAC नाम अलग हो सकता है, जैसे मेथ एथ होता है तो इसको आप देखिएगा तो एथेनॉल हो गया, ये क्या हो गया, प्रोपेनॉल हो गया। तो इजीली आप इसको समझ सकते हो कि ये आपका क्या हो जाएगा, एथेनॉल एथेनॉल, ये क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल। इस तरह से आप समझ सकते हो। अब यहां पास देखिए इसमें कि यदि OH की संख्या दो गो हो जाए, OH की संख्या दो गो, जैसे यहां देखिए कार्बन है एक और एक दो कार्बन है, इस कार्बन पर भी एक गो है OH, इस कार्बन पर भी एक गो है OH, तो इसकी टोटल संख्या कितनी हो गई, दो। तो दो हो गई तो इसे हम लोग डाईहाइड्रिक बोलेंगे, इसे डाईहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। इसी तरह से यदि तीन गो आएगा, जैसे एक दो तीन कार्बन, तीनों कार्बन पर एक दो तीन गो एल्कोहल है, तो अगर तीन को OH है तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इसी तरह से अगर चार गो आ जाएगा तो उसे क्या बोल देंगे, पॉलीहाइड्रिक, उसे बोल देंगे पॉलीहाइड्रिक। तो चार गो आएगा तो याद कीजिए को कि कैसा आ जाएगा, CH2 CH CH फिर CH2, इसके साथ भी OH रहेगा, इसके साथ भी OH रहेगा, यहाँ भी OH रहेगा, और आपका यहाँ भी OH रहेगा। अब बताइए तो कि एक दो तीन चार संख्या है तो इसको क्या बोलेंगे, पॉली। तो इसमें इसका नाम चेंज किस लिए हो रहा है, क्योंकि इसकी संख्या चेंज हो रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पहला वर्गीकरण OH की संख्या के आधार पर है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पॉली, इसको क्या बोल देंगे, पॉली। और इसके जस्ट बाद हम लोग को पढ़ना SP संकरण के आधार पर, SP आपको हम पढ़ाएंगे, SP संकरण क्या होता है उसको हम पढ़ाएंगे। और इसी के टाइप का ये आपका फिनॉल का भी वर्गीकरण होता है। यदि कोई फिनॉल है उस पर एगो रहेगा OH, एगो, तो उसका नाम हो जाएगा मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। या दो गो रहेगा तो इसको क्या बोल देंगे, डाईहाइड्रिक, तीन गो रहेगा तो
ट्राइहाइड्रिन, लेकिन इसका नाम आप देखिएगा तो अलग अलग, और उसका नाम क्या है हम लिख देते हैं, फिनॉल होता है, कैटिकॉल होता है, देखिए इसका नामकरण इसमें हो गया, और इसी टाइप का यहां भी है फिनॉल का, ऐसे इसको हम लोग तो आखिरी में पढ़ेंगे ही, जैसे ही आपका अल्कोहल खत्म होगा इसको फिर से पढ़ेंगे, लेकिन जब दोनों सेम आ रहा है तो आप समझिए कि इसमें एक वो था तो इसका नाम क्या था मोनोहाइड्रिक, तो इसमें भी एक वो है तो इसका नाम क्या पड़ेगा मोनो, क्योंकि बेंजीन है, बेंजीन के साथ आगे OH कितना जुड़ल है एक वो, तो एक वो जुड़ल है तो एक क्या पड़ जाएगा नाम, यही नाम रहेगा मोनोहाइड्रिक, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, और इसी तरह से दो गो है तो इसका नाम क्या हो जाएगा डाइहाइड्रिक, नहीं समझ जाओगे यहां से डाइहाइड्रिक हाइड्रिक, इसी तरह से अगर यहां पर देखिएगा तो तीन गो है तो ट्राई, अगर इसी तरह से आगे और आता तो क्या हो जाता पॉली हो जाता ट्राई हाइड्रिक हाइड्रिक। आप बताइए तो कि तीन गो है तो इसका नाम ट्राई हो गया, लेकिन अगर इसका नाम देखोगे आप नॉर्मली यानी कि IUPAC में तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेगॉल, तीन गो है तो पैरेगॉल, दो गो है तो कैटेकॉल, और एक गो है तो फिनॉल, एक फिनॉल, दो कैटेकॉल और तीन पैरेगॉल, पॉली, ऐसे इसका नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा होगा तो ट्राईहाइड्रिक की जगह पे क्या हो जाएगा पॉलो पॉलीहाइड्रिक, तो ए आपका फिनॉल और ए आपका एल्कोहल, और एल्कोहल का हमने क्या किया यहाँ पास वर्गीकरण, वर्गीकरण किसका है OH का, याद रखिएगा OH का वर्गीकरण है OH, इसको साफ समझ जाइएगा OH है क्या है आपका OH और ROH, ये आपका एल्कोहल है, तो हमने यहाँ वर्गीकरण किसका किया है एल्कोहल का, बताइए तो कि अगर OH डायरेक्टली इससे ना जुड़कर किसी और से जुड़ जाए तो क्या इसको हम फिनॉल बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, जैसे देखिए यहाँ डायरेक्टली नहीं इससे जुड़ा तो इसे फिनॉल नहीं बोलेंगे, तो आपका जो फर्स्ट क्लास है ना ये बेसिक चीजें होती है, मतलब इसी तरह से आपको पढ़ना है, और उसके बाद फिर इसका ब्रेक्चर वगैरह देखना है कि बनेगा कैसे, तो आप इसको राइट कीजिए उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे।